टेक्निकल सहायता के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष टेक गुरु। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपने देखा कि मैंने किस तरीके से एक छोटे से बॉक्स में डबल स्पीकर लगा के किस तरीके से इसका कितना अच्छा साउंड निकला था, क्लियर साउंड निकला था। तो फ्रेंड्स, वो एक छोटा सा मिनी एम्पलीफायर बनाया था, वो भी ब्लूटूथ से चलने वाला। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ये सब कुछ बनाने वाले हैं। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। और फ्रेंड्स, मैं ऐसी कमाल की वीडियो लाता रहता हूँ अपने चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं यूज कर रहा हूं तो 5 वोल्ट का ऑडियो कार्ड है और फिर 5 वोल्ट का फ्रेंड्स यहां पर ब्लूटूथ किट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इनकी सबकी प्राइस बता दे रहा हूं फ्रेंड्स। तो इन दोनों की प्राइस है फ्रेंड्स, दोनों 70 रुपए के फ्रेंड्स, मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताया था। और 70 और 10 रुपए का फ्रेंड्स ये सब कुछ, तो 70 और 10 कितने हो गए फ्रेंड्स, 80, 10 रुपए का ये 90 और 20 110 और 50 रुपए के ये दोनों स्पीकर, तो फ्रेंड्स कितना हो गया 160। और फ्रेंड्स, मेरे लैपटॉप की बैटरी है तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं जो बैटरी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर डबल बैटरी लगा दी है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं डबल स्पीकर लगा रहा हूँ और प्लस साथ में कुछ LED लगाऊंगा। आपने देखा है जैसे कि उसमें LED ग्लो कर रही थी, तो फ्रेंड्स उससे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर 2 बैटरी लगाई जिससे काफ़ी समय तक चले। तो फ्रेंड्स, इस बैटरी का जो MAH है तो फ्रेंड्स ये 2000 mAh की 18650 बैटरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने अपने लैपटॉप में से निकाला। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपके पास भी लैपटॉप तो आप उससे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आपको ये शीट लेनी होगी। ये जो शीट है फ्रेंड्स, आपको ये पता है शीट कहां से आती है फ्रेंड्स, ये यहां पर लकड़ी वगैरह बिछती है तो आपको उससे बोलना है। जैसे हमारे घर में लकड़ी के बोर्ड लगे रहते हैं तो उनके पीछे शीट लगी होती है पतली सी, वही शीट आपको बोल देना तो वो आपको दिखा देगा। ये 2 mm के लगभग ऐसी कुछ होती है। तो फ्रेंड्स, आप ये आराम से वहां से खरीद सकते हैं। 200 रुपए का एक आपका जो डबल बेड होता है, डबल बेड से थोड़ा सा कम उतनी पूरी शीट आ जाएगी, इसमें आप आसानी से कई सारे उपकरण बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको, मैंने यहां पर बोर्ड को काट के रखा है पहले से ताकि फ्रेंड्स हमारी वीडियो है वो ज्यादा लंबा ना बने। तो फ्रेंड्स यहां पर देख लिए, और मैंने फ्रेंड्स इसके मॉडल को डिजाइन भी कर रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने कुछ इस तरीके से इसके स्पीकर के लिए यहां पर LED और 2 चटकनी। तो फ्रेंड्स, 2 चटकनी मैंने इस वजह से लगाई है कि फ्रेंड्स जैसे कि हमें सिर्फ एक ऑन ऑफ करने के लिए, और यहां पर 3 LED लाइट लगाऊंगा तो उसे ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने ये चार्जिंग पिन के लिए बनाया है, जिसे यहाँ चार्जिंग पिन और प्लस एक इंडिकेटर जो चार्जिंग लगाए तो वो शो करे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से। अब फ्रेंड्स, ये तो मैंने इसकी काट कर रखी, तो फ्रेंड्स मैं इसकी लंबाई बता दूं तो फ्रेंड्स ये इसकी 16 है और ये इसकी हाइट है फ्रेंड्स इसकी 7 है। और इसमें फ्रेंड्स मैंने एक और ये काटा है, ये थोड़ी इसकी छत बनाने के लिए एक तरीके से। तो यहाँ से फ्रेंड्स इसकी लंबाई तो 16 है लेकिन इसकी हाइट जो है वो 8 है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसको काट रखी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ब्लूटूथ किट के और ऑडियो किट के कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा कल बताया था आपको, तो एक बार मैं फ्रेंड्स आपको फिर बता दे रहा हूँ दोनों किटों में। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ लोग नए भी होंगे और जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का नीचे लिंक दे दिया है फ्रेंड्स, आप वहां पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें भी मैंने इस तरह का एक लकड़ी के ऊपर में बना के दिखाया, छोटा सा मिनी बॉक्स। ठीक है, देखो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पर मैं चिमटी की सहायता से बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ जो दे रखा है, देखो ये है हमारा 5 वोल्ट और ये है हमारा ग्राउंड, और ये दे रखा है लेफ्ट राइट और ये बीच में ग्राउंड। अब सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर सेम, देखो ये पहला दे रखा है हमारा ग्राउंड और ये बगल में इसका सॉरी यहाँ पर ये ग्राउंड नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर है ये 5 वोल्ट है फिर उसके बाद है ये ग्राउंड। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें लिखने में मिस्टेक हो गई है। फिर इसके बाद राइट ऑडियो, ग्राउंड और लेफ्ट ऑडियो। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है आपको इस तरीके से इसको रख के सीधे 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 सभी से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको सेम इसी तरीके से लगा देने हैं। और यहाँ से आपको 2 वायर निकाल लेने, क्योंकि फ्रेंड्स दोनों में 5 वोल्ट करंट जाएगा, दोनों के लिए बैटरी सेम रहेगी। फिर उसके बाद आपको एक स्पीकर के बार यहाँ से, एक स्पीकर के बार यहाँ से। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसके कनेक्शन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लिए मैंने इसके सारे कनेक्शन कर दिए। तो फ्रेंड्स मुझे छोटी सी गलती होगी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लिखा था ना ग्राउंड वो सही लिखा था, सॉरी फ्रेंड्स मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, छोटी सी मिस्टेक होगी फ्रेंड्स, ये सही लिखा था, ये ग्राउंड है। और ये ऊपर वाला जो BVCC मतलब वोल्ट और ये करंट फ्रेंड्स, यहाँ से इसको करंट दिया जाएगा 5 वोल्ट, सॉरी बस छोटी सी मिस्टेक होगी थी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बाद बाकी
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, एकदम जैसा है तैसे के तैसे ही है। तो यहाँ पर मैंने सभी वायर लगा दिए, देखो फ्रेंड्स ये हमारा लेफ्ट स्पीकर है, ये राइट स्पीकर, ठीक है। बाद बाकी सेम सेम देखो एक जैसी पटार मैंने पांच तारों की सेम सेम जोड़ दी है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर इसके कनेक्शन मैंने फुल्ली कनेक्शन कर दिए। अब फ्रेंड्स बात आती है, मैं इसकी चार्जिंग पिन को कनेक्ट कर दे रहा हूँ, जो इसकी चार्जिंग पिन है मैं इसको चार्जिंग पिन को इसके लकड़ी के जो मैंने बनाया था इसमें इसको कनेक्ट करके इसके थोड़ी बहुत कनेक्शन कर दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख ली मैंने इसकी चार्जिंग पिन का सिस्टम यहाँ पर कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने चार्जिंग पिन लगा दी है, प्लस उसके साथ में एक एलईडी बल्ब लगा दी। देखो यहाँ पर जो एलईडी बल्ब का जो प्लस पॉइंट है वो जो प्लस टांग है वो यहाँ पर है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैंने इसकी प्लस टांग को एक रेजिस्टेंस 1K का रेजिस्टेंस लिया है, फ्रेंड्स ये 1K का रेजिस्टेंस है। फिर मैंने यहाँ पर इसको देखो यहाँ से जब भी इसमें चार्जिंग इनपुट होगी तो यहाँ पर ये एलईडी शुरू करने लगेगी। अब देखो ये लगा है डायोड, ये डायोड क्या करेगा फ्रेंड्स, जो उधर साइड से देखो यहाँ पर बैटरी का एक पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, और एक यहाँ लग जाएगा, और या फिर इसमें अभी मैं चटकनी से कनेक्ट कर दूंगा जिससे बंद चालू करने के लिए। तो फ्रेंड्स एक बैटरी का कनेक्शन यहाँ जुड़ेगा और एक यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, इस डायोड पे। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब इधर से वापस करंट नहीं जाएगा, सिर्फ इधर से फ्लो ही होता रहेगा, पीछे करंट नहीं आएगा, जिससे ये एलईडी सिर्फ हमारी इस वजह से ये डायोड लगाया था। और हाँ, जब बैटरी सीमित समय तक चार्ज हो जाती है तो एक जैसे मतलब फुल्ली चार्ज हो जाती है तो एक जैसे पे, तो बैटरी फूलती नहीं, इस वजह से इस डायोड का प्रयोग किया जाता है। डायोड की जो वैल्यू है N460 वैल्यू है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो आगे इसमें ये दे रखा था इसमें दोनों स्पीकर लगा दूँ प्लस एलईडी बल्ब लगा दे रहा हूँ, इनकी चटकनी वगैरह सब कुछ कनेक्शन कर ले रहा हूँ, फिर मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा, पहले मैं कलर कनेक्शन कर ले रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लिए मैंने कुछ एलईडी के कनेक्शन कर दिए और चटकनी वगैरह लगा दी है, लाइट वगैरह की लगा दी है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इसके चार्जिंग पिन से कनेक्शन जोड़ दिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बारीकी से सब कुछ समझा दूंगा, तो प्लीज़ यार यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना फ्रेंड्स। मैं सच में बता रहा हूँ, मुझे कम से कम एक वीडियो बनाने के लिए पूरा दिन लगता है फ्रेंड्स। मैं आपको अभी जो 10 मिनट में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ तो आपको ऐसा लगता है फ्रेंड्स, ये पार्ट्स ही पार्ट्स काटने में कम से कम दो से तीन घंटे लग जाते हैं, इनकी गुलाई करना सब कुछ करना, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स देखो मैं यहाँ के इसके जो वायर है मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स ये जो हमारा ये रेड वायर है ये यहाँ से देखो और यहाँ से भी ये रेड है, तो ये मतलब हमारा प्लस वायर है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये हमारा प्लस वायर है। तो प्लस मैंने यहाँ पर एलईडी के प्लस पॉइंट से जोड़ दिया, ठीक है, एलईडी के प्लस पॉइंट से जोड़ दिया। अब इसके बाद यहाँ पर ये है माइनस। अब देखो ये प्लस पॉइंट जोड़ दिया, इसके बाद मैंने यहाँ पर एक एलईडी लगाई, यहाँ पर ये अलग एलईडी ये म्यूजिक के साथ जलेगी, ये अपने मर्जी के अनुसार जला सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने देखो यहाँ से इसने प्लस ले लिया, फिर उसके बाद फ्रेंड्स इस चटकनी से मैंने यहाँ से इसको माइनस दे दिया, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से माइनस आ गया। तो फ्रेंड्स इसी जगह से ये माइनस इस चटकनी के लिए यहाँ पर चला गया, तो फ्रेंड्स ये वाला सर्किट पूरा हो गया, ठीक है। जब भी ये चटकनी दबाई जाएगी तो ये एलईडी जलने लगेगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से इस बोर्ड का इस एलईडी लाइट का भी सर्किट पूरा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से इसके कनेक्शन आप आसानी से समझ लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो हमारे जो कनेक्शन है फ्रेंड्स, अब देखो अब ये है, तो इसके हमें कनेक्शन कहाँ करने होंगे, तो फ्रेंड्स हमारा एक प्लस का वायर यहाँ लगा देना है, देखो ये रहा इसका प्लस का बात, तो ये यहाँ लगा दो, चाहे आप यहाँ लगा दो, बात वही है, चूँकि यही से मैंने ये लिया है, एक यहाँ लगा दो और एक यहाँ लगा दो इस चटकनी पे, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो ये देखो इस तरीके से हमारा ये भी सर्किट पूरा हो जाएगा, और बाद बाकी इसके वायर लगा दो, स्पीकर के वायर लगा दो, बस हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। और बस यहाँ पर ये बैटरी है ना, बैटरी कनेक्शन लगा दे, बाद बाकी सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये सब कुछ समझाने के लिए मैंने इतना रोक रखा था। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर स्पीकर लगा देता हूँ, फिर उस स्पीकर कनेक्शन करता हूँ, फिर इसके कनेक्शन कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पर देख लिए मैंने इसके सारे A to Z कनेक्शन कर दिए, बस फ्रेंड्स हमको बैटरी के कनेक्शन यहाँ और यहाँ माइनस पॉइंट पर लगा देने। तो फ्रेंड्स देखो मैं अभी जो मैंने इसके वायर लगा दिए, देखो स्पीकर के स्पीकर में लगा दिए, और देखो इसके जो इसको जो कनेक्शन दिए, तो बाद बाकी इसके कनेक्शन बचे, देखो एलईडी को जो प्लस पॉइंट आया था वो प्लस पॉइंट यहाँ जोड़ दिया, अब जो माइनस का पॉइंट यहाँ पर जो मैंने जोड़ा था ये वाला जो माइनस का यहाँ से चटकनी से होके आएगा, तो ये मैंने यहाँ पर इसके थ्रू जोड़ दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके एलईडी के सारे कनेक्शन हो रहे हैं, इनके सबके कनेक्शन हो रहे हैं, मैं बाद बाकी सब चीज़ आपको समझा चुका था। तो फ्रेंड्स एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, आपके मन में कोई भी डाउट रह रहा हो तो प्लीज़ यार कन्फ्यूजन मत करना फ्रेंड्स, आसानी से बनाना। चलिए तो फ्रेंड्स अब मैं क्या करता हूँ, ये हत्ती है, तो फ्रेंड्स मैं उसमें लगा दे रहा हूँ, फिर बाद बाकी फ्रेंड्स मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने इसके सारे टोटली कनेक्शन कर दिए, तो फ्रेंड्स आपको दिखा दूँ, देखो मैंने यहाँ पर इसके बैटरी कनेक्शन लगाया, जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ एक डायोड पर लगाना था और एक यहाँ लगाना था, ठीक है, इसका माइनस और यहाँ इसका प्लस पॉइंट लग गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद मैं आपको देखो छोटी सी इसकी टेस्टिंग दिखा देता हूँ, ये देखो ये तो हो गया इसका,
एलईडी लाइट, और देखो फ्रेंड्स ये इसका साउंड, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा ये दोनों एलईडी। अगर हम एलईडी जलाना चाहते तो इससे जलेंगी, इसको नहीं जलाना चाहते तो इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसको एक बॉक्स में कवर कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं आपको दिखाता हुआ इसको कवर करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो इसको फ्रेंड्स इसको चिपकाने के लिए हॉट ग्लू गन और फेविक्विक का सहायता लेता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसको चिपका लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरीके से ये बन चुका है। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसकी फिनिशिंग कर दे रहा हूँ, जो जो यहाँ पर ये लकड़ी बड़ी हुई है या फिर, तो इसको रेगमाल की सहायता से फ्रेंड्स इसको घिस घुसी के एकदम सेट कर दे रहा हूँ। जहाँ जहाँ पर सांस है वहाँ पर फेविक्विक और इसका बुरादा भर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसको अभी फिनिशिंग कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख ली मैंने कम्प्लीटली इसको एकदम फिनिशिंग कर दिया। तो फ्रेंड्स मुझे इसको फिनिश करने, मतलब इसकी फिनिशिंग करने में कम से कम 1.5-2 घंटे लग गए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है पहले से, और देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी हम टेस्टिंग करके देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ही देखो ये इस तरीके से, और ये जो मैंने लगा रखी है एलईडी इस तरीके से जले, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको फ़ोन से कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ के साथ में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं फ़ोन से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ब्लूटूथ खोल लिया, और साथ ही फ्रेंड्स ये अपना ब्लूटूथ का सिग्नल भेजेगा। तो आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर, ये नीचे आ गया, तो इससे ये पेयर हो जाएगा। तो ये कनेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से यूट्यूब से नो कॉपीराइट साउंड चला रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स एक मिनट। तो फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पर इसको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखो फ्रेंड्स मैं इसकी चार्जिंग टेस्टिंग आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखो कुछ इस तरीके से हमको इसको चार्ज करना है, ठीक है फ्रेंड्स। सिर्फ 2 घंटे चार्ज कर लीजिए और फ्रेंड्स पूरे दिन बजाइए, ठीक है फ्रेंड्स। लगातार उसको 5-6 घंटे आराम से बजा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ यार वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे कमेंट करके बताना ये आपको कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसका लुक कैसा लगा, और अपनी भी कोई राय देना तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।